नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि मुझे किसी के यहाँ जाना है। किसी ने इनवाइट किया हुआ है हम लोगों को विद फैमिली। तो बेसिकली जहाँ हम रहते हैं तो हमारे ना वीकेंड पे गेट टुगेदर होते रहते हैं, और जिनके यहाँ जाते हैं खाली हाथ तो आप जा नहीं सकते। तो कुछ ना कुछ बाय करके लाना था मुझे, तो मैं हमेशा ना अपने घर में कुछ गिफ्ट्स रखती ही हूँ। सडनली जाना पड़े ऐसा बहुत रेयर होता है, तो आज दो जगह जाना है बेसिकली, और गिफ्ट मेरे पास एक भी नहीं था, सब खत्म हो चुके थे। तो आई थॉट कि चलो मार्केट जाके आते हैं। तो मैं गई होम सेंटर, वहाँ पर मुझे बहुत बढ़िया बढ़िया ऑफर्स मिले। तो कभी कभी ना आपको ऑफर्स मिलते हैं बहुत अच्छे वाले, जैसे कि 1200 रुपीज़ का चीज़ काफ़ी सस्ते में आपको मिल जाएगा। कई बार ऐसे ऑफर्स होते हैं, हमेशा नहीं, तो जब भी आपको ऐसे ऑफर्स मिले तो ग्रैब करिएगा। देखिए मैं क्या करती हूँ, जब ऐसे ऑफर्स मुझे दिखते हैं ना मार्केट में, तो मैं वो वाली चीज़ ना कई सारी खरीद लेती हूँ, क्योंकि हमें वीकेंड पे जाना ही पड़ता है। तो पूरा होम डेकोर पहले मैं सर्च करती हूँ, फिर जब मुझे दिखता है कि इस चीज़ पर काफ़ी ऑफ है तो मैं उन्हें ले लेती हूँ। इस बार मैं 4 से 5 गिफ्ट आइटम्स लेकर आई हूँ, और बहुत ही ब्यूटीफुल थे, जिनका कॉस्टिंग MRP बहुत ज़्यादा था, लेकिन जब मैंने उन्हें ख़रीदा वो इतने सस्ते थे कि मुझे यकीन ही नहीं हुआ। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी, आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स आज ना मैं आपके साथ ना बहुत बढ़िया सी बैंगन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आपने कई तरीके के बैंगन बनाए होंगे आज की, देखिए ना मेरे पीछे किचन में ना जो लोग मुझे ये बोलते हैं कि मेरा किचन खिचड़ी हो रहा है, तो हाँ ये खिचड़ी है और मैं आई एम हैप्पी विद दिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ओपन किचन है, कोई ड्रॉर नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है वो खिचड़ी दिखेगा। जब ड्रॉर्स होते हैं तो यू कैन हाइड एवरीथिंग, बट इसमें आई कैन नॉट हाइड, है ना। तो अब इसे कोई खिचड़ी बोले या कुछ भी बोले, अब ये कुछ दिनों की बात है जब मेरा खुद का घर मुझे यहाँ पर मिलेगा, देन आई विल शो यू कि घर कैसे रखते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, जहां से मैं आई हूँ पिछले 5.5-6 साल मैं एक घर में रही हूँ, मेरे को बेस्ट हाउस का हर बार अवार्ड मिलता रहा वहां पे। कैन यू इमेजिन कि दिवाली पर मुझे बेस्ट डेकोरेटिव हाउस का अंदर बाहर से पूरा देखने के बाद, डिफेंस में ना कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं ईयरली ऑर्गेनाइज किए जाते हैं दिवाली पर स्पेशली, कि किसने कैसा घर रखा है, तो अंदर बाहर से इंस्पेक्शन टाइप होता है, उसमें मेरे को बेस्ट हाउस का प्राइस मिला था। तो आप सोच सकते हैं कि मैं किस स्टैंडर्ड का घर रखती हूँ, और ये हर बार होता था। सब लोग ये बोलते थे कि मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे घर में सर्वेंट भी नहीं है, मैं अपना 4 BHK बंगलो कैसे मैनेज करती थी, और वो भी बिजनेस के साथ। बिजनेस मेरा इतना अच्छा है कि मैं 30-40 हजार की ना सेल मैंने विद इन 1 डे की है, एक दिन के अंदर विदाउट एनी हेल्प। मैं मेरी कुकिंग में किसी की भी हेल्प लेना पसंद नहीं करती हूँ, इनफैक्ट मुझे किसी की चॉपिंग भी रास नहीं आती है। कुछ लोग होते हैं जो कुछ भी बना दो, कुछ भी काट लो बना लेते हैं, मैं ऐसी नहीं हूँ। मेरा चॉपिंग का तरीका भी एक अलग है, मैं डिफरेंट टाइप पर्सन हूँ। एक्चुअली मेरी खुद की मॉम ये कहती है कि पता नहीं ये कैसी है, यू नो मेरे हस्बैंड बच्चे भी यही कहते हैं कि मैं थकती नहीं हूँ और अपने घर का काम करने में मैं पॉजिटिव फील करती हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा, मेरी कुकिंग में मैं चॉपिंग भी अपनी पसंद के हिसाब से करती हूँ। तो जामनगर में मैंने एक एक दिन के अंदर 20-20 हजार, 40-40 हजार की सेल करी है, तीनों बच्चों को बहुत अच्छे से संभाला है, 4 BHK बंगलों का काम, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब कुछ मैंने किया है, किसी से मैंने कुछ नहीं कराया। हाँ मैंने घर का जो मेरे बंगलों का गार्डन जो था, उसका गार्डन को मेंटेन करने के लिए मैंने अम्मा जी को रखा हुआ था, बाकी सारे काम मैं खुद करती थी। तो आप उस चीज से अंदाजा लगा लीजिए कि ये 2 BHK घर है, इसमें कुछ भी काम नहीं है, काम मैं छुट्टियों में कर सकती हूँ। तो इट्स नॉट ए बिग डील घर का काम करना, सब लोग करते हैं। आप लोग बहुत सारे कॉमेंट्स मुझे करते हैं कि ये जो आप कर रही है वो तो सब करते हैं। जी हाँ सब करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि किसी की छोटी छोटी चीजें ना बड़ी यूजफुल होती हैं, आपका टाइम बचा सकती है, आपकी मनी बचा सकती है। तो मैंने ना पिछले 17 सालों से ना ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस डिफेंस में आके सीख लिए हैं, क्योंकि हमें ईयरली इधर से उधर ट्रांसफर जाना पड़ता है, कई बार 2 साल में जाते हैं, कई बार 3 साल में जाते हैं इस तरीके से। प्लस हस्बैंड हमारे ऐसे फील्ड में है कि वो कई कई महीने विदेश में रहते हैं, अकेले हमें बिना उनके घर को मैनेज करना पड़ता है, कैसे घर चलाना पड़ता है, बच्चों को देखना है, इनफैक्ट कुछ भी नहीं अगर किसी को आए ना वो सब कुछ सीख जाते हैं, प्रेशर और एक्सपीरियंस सब सिखा देता है। तो बस आई थॉट कि आपके साथ अपना नो ये एक्सपीरियंस शेयर करूं, और इसमें कोई बुराई नहीं है। जिनको पसंद नहीं है वो वीडियो ना देखें, जिन्हें पसंद है जो जिनको अच्छा लगता है वो अप्रिशिएट भी बहुत करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड अप्रिशिएशन, बड़ा अच्छा लगता है मुझे आपके प्यारे प्यारे कॉमेंट्स पढ़कर, बड़ी पॉजिटिविटी मिलती है और नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाने का मन करता है। और वीडियो बनाना इट्स नॉट ए जॉब, जिन्हें ये लगता है हर कोई आकर वीडियो बनाकर शेयर करता है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों के डाउट्स हैं प्लीज़ मेक ए सिंगल वीडियो और उसको अपलोड करके देखिए कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है,
घर में रह के वीडियो बनाना कोई मजाक नहीं है, आपका बहुत टाइम कंज्यूम होता है, आपकी बहुत सारी चीजें प्लान करनी पड़ती है, कुछ भी ऐवे नहीं दिखा सकते। तो बहुत सारे लोग जो मुझे ये बोलते हैं कि बिना हाथ धोए आप कुकिंग कर लेती हैं, मैं उनको बता दूं ऐसा नहीं है, हर छोटी छोटी चीज में शेयर नहीं कर सकती, नहीं तो वीडियो 2 घंटे का बनेगा, आप बिलीव नहीं करेंगे वीडियो इतना लंबा हो जाता है, उसको काट पीट के छोटा कर करके एडिटिंग कर करके आपको 13 से 14 मिनट का वीडियो मैं शेयर करती हूँ। वीडियो 40 से 50 मिनट का बनता है, लेट नाइट 1-1 बजे तक मैं काम करती हूँ, अर्ली मॉर्निंग 5:30 उठ जाती हूँ। जो लोग ये तो रेसिपी के लिए मैंने ले लिए यहाँ पर ये 3 बैंगन और 3 मैंने लिए हैं ये बैंगन नहीं है, ये टमाटर है, 3 टमाटर मैंने लिए हैं और 3 ही मैं लूंगी बैंगन छोटे वाले, आप कोई भी बैंगन ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा हम गार्लिक भी ऐड करेंगे, तो एक क्विक सी रेसिपी है, फटाफट गर्मियों में बन जाएगी और मजेदार बनती है भी। इसके साथ ना मैं एक पराठा भी आपके साथ शेयर करूंगी, टेस्टी वाला पराठा जो आप विंटर में बना सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ना ये जो बैंगन है इनको छील लेना है। देखिए आप 2 टाइप से सब्जी बना सकते हैं, बिना छिले के बना सकते हैं और छील कर बना सकते हैं। मैं इन्हें छील कर बनाऊंगी क्योंकि मुझे ना ये जो बैंगन की स्किन होती है ना ये मुझे अच्छी नहीं लगती, प्लस ये ना गलती नहीं है, थोड़ी हार्ड ही रहती है ये, इसलिए मैं बैंगन को छील कर बनाऊंगी। तो बैंगन को छील लेंगे पहले, उसके बाद रेसिपी शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए बराबर मात्रा में टमाटर और बैंगन ले लेना आप, और उन्हें गोल गोल कट कर लेना। फिर कढ़ाई में डालना सरसों का तेल, बहुत स्वाद बनती है सरसों के तेल में, लेकिन आपको जो तेल पसंद है उसमें बना लेना। फिर गोल गोल काट के कढ़ाई में ऐसे ही डाल देंगे। देखिए जब भी हम सब्जी बनाते हैं तो बारीक बारीक चॉप करना पड़ता है, बहुत टाइम टेकिंग होता है, गर्मी में स्पेशली किचन में जाने की इच्छा किसी की भी नहीं होती, उसी के लिए आज मैं ये रेसिपी ना आपको ऐसे बता रही हूँ कि आप इसे मिनटों में बना सकते हैं। आप ना रेसिपी पर ऐसा नहीं होगा कि खड़े होकर आपको कंटिन्यूसली रेसिपी पर ध्यान देना है, आप ना साइड बाय साइड दूसरे काम भी कर सकते हैं। तो मैंने टमाटर और बैंगन को गोल गोल काट के तेल में रखा, साथ में मैंने हरी मिर्ची डाली, लहसुन डाला, तो अलग से लहसुन मिर्ची कुछ नहीं ऐड करना है, ऐसी बनाएंगे और बहुत कमाल की बनती है। अब खास बात ये कि जो टमाटर और बैंगन है ना इन्हें लाल लाल होने तक भूनना है, ठीक है, और हल्का नमक जरूर डालना है इनके ऊपर, ढक्कन लगा लगा कर भूनना मीडियम आंच पर, बहुत बढ़िया लाल लाल होंगे ये और फटाफट पकेंगे, इसलिए नमक जरूर डालिएगा। तो ये जो रेसिपी है ना ये बहुत स्वाद बनती है, इतना बढ़िया टेस्ट आता है, और खास बात यह है जैसे गर्मी में ना मिर्च मसाले ज़्यादा नहीं खाए जाते, तो इसमें ना मसाले भी हम नहीं डालेंगे, आप आके देखेंगे कितना तक अच्छा तरीका ऐसे बनाने का कि भाई मसाले नहीं डल रहे और स्वाद ऐसा कि आपसे हर कोई पूछेगा कि आपने सब्जी बनाई कैसे। जब ये दोनों चीज़ें सॉफ्ट हो जाए ना तब ना टमाटर का छिलका जरूर निकालना है, टमाटर का छिलका निकालने से फटाफट जो है मैशी हो जाएगी। अब देखिए जब ये दोनों चीजें पक जाएं तब ना एक चमचे से इनको ऐसे मैश कर देना, इजीली ये मैश हो जाएंगे, मुश्किल से 30 सेकंड लगेंगे आपको, फटाफट मैश हो जाएंगे। अगर नहीं हो पा रहे हैं तो पाव भाजी मैशर लेना और दोनों हाथों से घोट देना इनको, और भी जल्दी काम हो जाएगा। अब मैंने रंग के लिए डाली है थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची, विच इज कम्प्लीटली ऑप्शनल, आप अवॉइड कर सकते हैं, और बस ये सब्जी हमारी बनकर तैयार है। मैंने ना शुरू में नमक डाल दिया था, तो यहाँ टेस्ट कर लें आप, अगर आपको लगता है नमक कम है तो नमक ऐड कर देना। तो मैं ना कम क्वांटिटी में ही सब्जी बनाती हूँ ताकि टाइम टू टाइम खत्म हो जाए, और मेरे घर में ना सब्जी लवर कोई नहीं है एक्सेप्ट मी, मैं ही खाती हूँ, तो मेरे लिए बहुत है ये। कुछ लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं ना सब्जी बड़ी कम बनाती हैं आप, तो जब कोई खाता ही नहीं है तो किसके लिए बनाऊं, और बैंगन तो बिल्कुल नहीं खाएंगे मेरे घर। तो देखा आपने कितनी जल्दी हमारी सब्जी बन गई, लास्ट में ना उसमें हरा धनिया और घिसा हुआ अदरक जरूर डालिएगा, सब्जी बनकर तैयार है। अब आटा गूंथ लेते हैं, तो फटाफट ना गेहूं का आटा गूंथेंगे, इसमें सिर्फ नमक डालेंगे और सॉफ्ट आटा बनाना है, जैसे हम रोटी वाला आटा बनाते हैं बिल्कुल वही आटा बनाना है। तो फ्रेंड्स देखिए मेरे घर में ना मेरे बच्चे और हस्बैंड ना कुछ पर्टिकुलर सब्जी बिल्कुल नहीं खाते, जिसमें कि बैंगन हुआ, करेला हुआ, करेला तो थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर दिया है मेरे बच्चों ने और हस्बैंड ने, बट बैंगन का नाम सुनते ही तो वो लोग भाग जाते हैं, लिटरली भाग जाते हैं, लेकिन मुझे बैंगन बड़ा पसंद है। और बिल्कुल इसी तरीके से बनाया हुआ आलू बैंगन की सब्जी भी मैं बनाती हूँ, लेकिन मुझे कम पसंद है, मुझे बैंगन का भरता बड़ा पसंद आता है जिसमें मटर वगैरह डालते हैं। आपको कौन सी सब्जी ज़्यादा पसंद है कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताना। आटा गूंथने के बाद ना रेस्टिंग पे रखेंगे थोड़ी देर के लिए, तब तक ना ये जो पराठा बनाएंगे इसके लिए स्टफिंग बनाते हैं। भुना हुआ सत्तू लिया है मैंने, सत्तू मार्केट में मिलेगा आपको राशन शॉप पे, इनके हिसाब के पास नहीं है तो घर में जो बेसन होता है ना उसे भून लीजिएगा धीमी धीमी आंच पर, 3 से 4 मिनट सत्तू तैयार हो जाएगा। फिर एकदम महीन कटी हुई प्याज, धनिया, हरी मिर्ची, बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटा हुआ अदरक ये जरूर डालना है।
अभी जो पराठे की स्टफिंग हम बना रहे हैं इतनी स्वाद बनती है ना कि आप ये पराठे ना बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं, दही के साथ खाइए, नारियल की सॉस के साथ खाइए, अचार के साथ खाइए, बड़े स्वाद लगते हैं। मसालों में इसमें 2-3 मसाले जाएंगे, जिसमें आपका कलौंजी है थोड़ा सा अजवाइन क्रश करके डालेंगे और 1 टेबल स्पून अचार का मसाला, ये मेरे होममेड अचार का मसाला है, थोड़ा नमक और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है हींग और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला नींबू का रस, इसे टेस्टी बनाने के लिए नींबू का रस जरूर डालिएगा और इसमें ना आपको कलौंजी भी जरूर डालनी है, इससे स्वाद अचार ही आता है तो बहुत बढ़िया लगता है। सारी चीज़ें मिला दें, मिक्स कर दें। आप चाहे तो यहाँ पे 1 छोटा चम्मच मस्टर्ड ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, मेरे घर में कच्चा तेल तो किसी को भी पसंद नहीं आता तो मैंने नहीं डाला। ऑलरेडी मैंने इसमें पिकल का मसाला डाल दिया है, उसमें अच्छी खासी मात्रा में तेल था। हाथों से मसल कर ही मसाला तैयार कर लीजिए, बड़ा सोंधा सा टेस्टी सा अर्दी सा ये मसाला बनता है। इसी के पराठे आज हम बनाएंगे, जो सब्जी मैंने बनाई है उसके साथ ये पराठे बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो बस यहाँ पर फटाफट हमारा मसाला भी तैयार है, कुछ ही मिनटों में सारे काम हो गए हैं मेरे। अब ये जो आटा है इसमें से 2 चपाती मैं बनाकर आपको दिखाऊंगी। बिल्कुल ऐसे आप चपाती पूरी पराठा कुछ भी बना लें, लेकिन गर्मियों में ना आप इसके पराठे ही बनाना, विंटर्स में आप इसकी पूरियाँ बना सकते हैं, इसकी कचौड़ी बना सकते हैं, स्वाद लगती है, लिट्टी भी बहुत अमेजिंग लगती है इसकी। लेकिन आज मैं ना पराठा बनाऊंगी। पराठा बनाने के लिए पहले थोड़ा घी लगा ले इसके ऊपर, फिर जितना डो है उतना ही ये मसाला रखें, लोक कर दीजिए जैसे स्टफिंग के पराठे को लोक करते हैं और इसको बेल लीजिए, बिल्कुल भी नहीं फटेगा, ये आसानी से बेल जाएगा। बस इस पराठे को बेलते हुए एक बात का ध्यान रखें कि ज़्यादा पतला इसे ना बेलें, थोड़े मोटे मोटे से पराठे होते हैं तभी स्वाद लगते हैं, तो थोड़ा गोलू मोलू सा पराठा होगा तो बहुत स्वाद लगेगा। अब मीडियम आंच पर इसे सेक लेंगे और मैंने इसे सरसों के तेल में सेकूंगी। आप चाहे तो शुद्ध घी में सेक लेना या फिर जो चीज़ आप खाते हैं सरसों तेल रिफाइंड तेल उसमें सेक लेना इसे। सरसों के तेल का फ्लेवर मुझे पर्सनली पराठों में बहुत अच्छा लगता है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, आप अपने चॉइस के हिसाब से इसे सेकिएगा। बस मीडियम आँच पर सेकना है इसे, हल्का सा क्रिस्पी करेंगे इसे, बड़ा स्वाद लगता है सब्जी के साथ। तो जब ज़्यादा गर्मी हो और कुछ अलग खाने का मन करे दोनों रेसिपीज आपको बहुत काम आएगी, ट्राई करिएगा। देखिए गुब्बारे की तरह फूल गया हमारा पराठा। बस दोनों पराठे मैं फटाफट बना लूँगी, बच्चों को ये पराठे बहुत पसंद आते हैं। इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ भी आप ये पराठे दे सकते हैं। और अभी कुछ दिन पहले ना मैंने आम की लौंजी शेयर करी थी, आम का इंस्टेंट वाला खट्टा मीठा अचार मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ, उसके साथ ये पराठे बहुत बढ़िया लगते हैं, गजब का स्वाद आता है, ट्राई करिएगा। तो बस दोनों पराठे सेक लिए मैंने और हस्बैंड जैसे मेरे खाते नहीं ऐसी चीज़ें, मैंने उनको भी सर्व किया था, उन्हें बहुत पसंद आए थे पराठे। सब्जी तो उन्होंने छुई भी नहीं, लेकिन जैसे मैंने कहा आम की चटनी इमली की चटनी के साथ मज़े ले लेकर उन्होंने खाया। और बच्चे तो ये बोल रहे थे कि मम्मा सिर्फ 2 ही बनाए हैं क्या, तो मैंने सिर्फ रेसिपी पर्पज से आपके साथ शेयर करा है, रात में मैं डिनर नहीं करती हूँ। और जिन लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं ना रिगार्डिंग माय हेल्थ और मेरा सोना मेरा खाना मेरी फास्टिंग, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर ना मैं लाइव वीडियो में करने वाली हूँ। जो लोग मेरे बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, लाइक घर से बिजनेस कैसे कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं, जितनी भी क्वेरीज है बेसिकली वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि किस दिन मुझे लाइव वीडियो बनाना चाहिए, लाइव में आना चाहती हूँ ताकि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी दोनों रेसिपीज फटाफट बनकर तैयार है। इस रेसिपी में ना आप नींबू जरूर निचोड़ना, ये जो सब्जी है इसमें नींबू निचोड़ना और प्याज और हरी मिर्ची के साथ खाना, मज़ा आ जाएगा आपको, ट्राई करना दोनों। तो मुझे बाहर जाना था इसलिए मैंने ये वाला डिनर बनाया। जब मैं बाहर जाती हूँ तो कुछ ऐसे डिनर का ही प्लान करती हूँ जो फटाफट दोनों काम हो जाए, सब्जी रोटी बन जाए। सब्जी की क्वांटिटी कम है बिकॉज बच्चे और हस्बैंड नहीं खाते, उनके लिए मैंने दही का रायता और वो आम की लौंज वगैरह दे दिया था तो उन सबका हो गया। बाय द वे मैं आई हूँ होम सेंटर, मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी, और जब भी होम सेंटर आते हैं ना काफ़ी बढ़िया बढ़िया ऑफर्स होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पॉकेट के हिसाब से चलिएगा, फालतू में शॉपिंग बिल्कुल ना करें, लेकिन हाँ ऑफर्स चेक करते रहिएगा। जैसे मैं इस बार आई ना होम सेंटर तो जो 1200 रुपीज की चीज़ थी ना वो मुझे 300 रुपीज में मिली, होम डेकोर का आइटम, वो मैंने 3 से 4 ले लिए क्योंकि मैं इधर उधर जाती रहती हूँ अपने दोस्तों से मिलने के लिए या गेट टुगेदर में, तो गिफ्ट चाहिए तो मैं ऐसे ऑफर हमेशा ग्रैब करती हूँ। तो आप भी ना इस तरीके से ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं।